good morning my dear friend and my dear student this lecture is from second year and subject is biochemistry and clinical pathology we covered the topic vitamins vitamins and this is the lecture number four and topic is vitamin e vitamin vitamin e chemistry source deficiency and i am Chandramon singh and my channel is super pharmacy so let's start our video vitamin e vitamin e is the fat soluble vitamin with the several forms but alpha tocopherol is the only one used by the human body यानी कि विटामिन ए e के बहुत सारे फॉर्म्स है जैसे अभी आगे आगे आप लोग देखेंगे अल्फा बीटा गामा इस तरह के फॉर्म है लेकिन उसमें अल्फा टिको टोकोफिरोल जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है ह्यूमन बॉडी में देर आर एट नेचुरली ओकरिंग टोकोफिरोल डिफरेंटिंग डिफ्रेंसन फ्रॉम वन अनादर इन इन द नंबर ऑफ पोजीशंस आर बोथ ऑफ द मिथाइल ग्रुप ऑन क्रोमेन रिंग ऑफ द टोकोफिलोल न्यूक्लियस एट ऑकरिंग होता है टोकोफिलोल जो बीटा का वहां भी, भी आगे, आगे आप लोग देखेंगे तो इनके जो होता है पोजीशन में जैसे मिथाइल ग्रुप के पोजीशन में अंतर होता है आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे उसका लेकिन इसमें कॉमन क्या होता है आपका टोकोल न्यूक्लियस और क्रोमेन रिंग जो होता है वो कॉमन इसमें रहता है आल्टोकॉफी रोल साइड चैन फॉर्म फ्रॉम ट्वेल्व कार्बन अटैच टू द कार्बन नंबर टू यानी कि ट्वेल्व कार्बन का इसका एल्फेडिक चैन होता है लंबा चैन होता है और जो कार्बन नंबर टू से अटैच होता है अल्दा टोकोफ्योल कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर सिक्स और कार्बन नंबर सिक्स पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है अल्फा टोकोफ्योल इज द मोस्ट एक्टिव द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन इज द एंटी ऑक्सीडेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द नॉन एंजाइम एंजाइम ऑक्सीडेशन ऑफ द सेल्स कंपोनेंट फॉर एग्जाम्पल पोली फैटी एसिड बाइमोलिकुलर ऑक्सीजन एंड फ्री रेडिकल्स तो ये आपका नेचुरली सबसे पावरफुल एंटी है जैसे आपका विटामिन ए में अल्फा बीटा कैरोटीन था एंटी एंड आपका विटामिन सी वी एंटी का काम करता है लेकिन ए जो है विटामिन ए जो है स्पेशली स्पेशली आपका एंटी का काम करता है एंड पावरफुल एंटी होता है एंटी क्या होता है फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देता है यानी ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है एंटी का यही काम होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को प्रिवेंट करना तो इसमें पोली अन पोली फैटी एसिड है उसको प्रोटेक्ट करता है पोलियन सेचुरेटेड पाइट एसिड आपका सेल कंपोनेंट जो है सेल है सेल में होता है जो उसके ऑक्सीडेशन को रोकता है जिससे प्रोटेक्शन रहता है तो इस तरह से हमारे जो भी बॉडी में ऑक्सीडेशन हो रहा है उन उन सबको एक क्या करता है प्रिवेंट करता है जिसके वजह से आपका कंपोनेंट सही से काम करता है व्हाट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए इस क्वेश्चन का आपको आंसर जल्दी से जल्दी देना है अपने कमेंट बॉक्स में सबको देना है विटामिन ई को कंटिन्यू रखते हैं इसका केमिस्ट्री देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है एक केमिस्ट्री आपका जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट नाइन ट्वेल्व कार्बन होता है आपका चेन जिसमें मिठाइल ग्रुप जुड़ा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं टोकोफिर टोकोफिर एक्चुअली टोकोफिर क्या है आपका स्केल्टन टोकोफियोल का स्ट्रक्चर है जिसमें आर ग्रुप जो है आर 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 वन आर टू आर थ्री इसमें जब हम ग्रुप जोड़ते हैं तो ये अलग अलग टोकोफिरोल में चेंज हो जाता है जैसे हम लोग देखते हैं अल्फा टोकोफिरोल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिर आगे हम, मैं बता दूंगा अल्फा टोकोफिरोल में आपका जो है सी एस थ्री सी एस थ्री तीनों आर पर लगा हुआ है बाकी आपका स्ट्रक्चर्स जो लगभग इसको अल्फा टोकोफिरोल का स्ट्रक्चर्स बोलते हैं आप लोग देख लीजिए सेम ऐसे ही है बाकी ग्रुप हम लोग देखते हैं जैसे अल्फा टोकोफिरोल में आर वन पर सी एस थ्री लगेगा आर टू पर सी एस थ्री और आर थ्री पर सी एस थ्री लगेगा उसी तरह से बीटा टोकोफ्योल में सी एस थ्री आर वन पर लगेगा आर टू पर हाइड्रोजन केवल रहेगा और आर थ्री पर सी एस थ्री लगेगा। गामा टोकोफ्योल में हाइड्रोजन और सी एस थ्री सी एस थ्री और डेल्टा टोकोफ्योल में हाइड्रोजन हाइड्रोजन और सी एस थ्री रहेगा ये स्ट्रक्चर सही इस तरह से आप लोग बना सकते हैं विटामिन लेकिन आपका एक्टिव फॉर्म जो होता है अल्फा टोकोफिरोल ही होता है स्ट्रक्चर का ये आपके नॉलेज के लिए दे दे रहा हूँ मैं ये अल्फा टोकोफ्यूल आर वन पर क्या रहेगा आर टू पर क्या रहेगा आर थ्री पर क्या रहेगा इस तरह से आप देख लीजिएगा गामा टोकोफ्यूरोल बीटा टोको आगे हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन ए का क्या होता है विटामिन ए द एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन पैकेज इन द काइलोमाइक्रॉन तो टेस्टाइन से काइलोमाइक्रोन के रूप में आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और इट इज डिलीवर टू द टिश्यू वाया कैलोमाइक्रोन ट्रांसपोर्ट एंड देन टू द लीवर थ्रू काइलोमाइक्रोन रेविनेंट अपटेक कैलोमाइक्रोन के रूप रूप में ए आपके टिश्यू में और लीवर्स में ट्रांसपोर्ट होता है द द लीवर कैन एक्सपोर्ट विटामिन ई इन द वी एल डी एल एस मतलब व्हील व्ही लो डेंसिटी लाइपो प्रोटीन जो आप लोग का कोलेस्ट्रॉल में पड़े थे फैट में पड़े थे तो उसमें आपका क्या था ओ, इसके थ्रू लिवर क्या करता है विटामिन ई e को भी एल डी एल के साथ एक्सपोर्ट करता है ड्यू टू द लिपोफिलिक नेचर विटामिन ई इज दुमेट्स इन सेलुलर मेम्ब्रेन फैट डिपोजिट एंड अदर सर्कुलर सर्कुलेटिंग लाइफ प्रोटीन जैसे आपको पता ही है ये विटामिन ए जो है वो क्या है विटामिन ए जो है फैट से अलग तो इसका स्टोरेज भी आपका फैट फैट में ही होगा तो योट टिश्यू में होता है इसका और फैट में इसका डिपोजिट डिपोजिशन होता है ये होता है एंड डिपोजिशन ट्रांसपोर्ट आगे देखते हैं हम लोग फंक्शन तो क्या क्या होते हैं विटामिन ए प्ले एन इंपॉर्टेंट रोलचुर आकर एंटीऑक्सीडेंट ड्यू टू इट द लिपोफिलिक स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड्स टू एकोमुलेट द सर्कुलेटिंग लाइपोप्रोटीन सर्कुलर मेम्ब्रेन एंड फैट डिपोजिट वेयर इज रिएक्ट विद द मॉलिकुलर ऑक्सीजन एंड फ्री रेडिकल्स जैसे मैंने आपको बताया हुआ ये क्या पावरफुल एंटी है जिस जो क्या करता है आपको नेचुरली आकृन मतलब नेचुरली रूप से आपको मिलता है पावरफुल एंटी होने की वजह से सेल का जो ऑक्सीडेशन होता है उसको रोकता है यानी कि पोलियो अनसेचुरेटेड फैट को ये ऑक्सीडेशन होने से रोकता है यानी फ्री रेडिकल को भी ये तो, न्यूट्रलाइज करता है इट एक्ट्स एट द स्क्लेवेंजर फॉर द कंपाउंड प्रोटेक्टिंग पोलियन सेचुरड फ्रॉम द पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसे कि आपको तो बताया हूँ सेम ए विटामिन इज e द पेयर टू तो प्ले अन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल्योरल रेस्पायरेसन आइदर बाई अब सेलोरल रेस्पायरेसन को में कैसे इसका रोल होता है तो स्टेबिलाईजिंग को एंजाम क्यू कोइंजाइम क्यू को स्टेबलाइज कर रहा है हेल्पिंग ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू द को ए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है इट आल्सो अपेयर टू इन्हांस हिम सिंथेथिस और हिम सिंथेथिस में भी इसका रोल होता है यानी कि आयरन की सिंथेथिस में भी इसका रोल होता है इंक्रीजिंग लेवल ऑफ द डेल्टा लियोनिक एसिड्स सिंथेथेज एंड ए एल ए डी हाइड्रेटेज यानी कि बहुत सारे एंजाइम को भी सिंथेथिस में ये हेल्प करता है जैसे को एंजाइम आपने देखा और बहुत सारे ए एल ए आपका सिंथेथेज एंजाइम इसमें भी हेल्प करता है हिम में करता है इन एनिमल्स विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट्स रिप्रोडक्शन में भी एनिमल के रिप्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है विटामिन ई एंड वाइटल विटामिन ई अपीयर्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट डिजीज यानी क्रोनिक डिजीज हार्ट डिजीज जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने में विटामिन ई e का रोल होता है उसको प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे क्रोनिक डिजीज को भी प्रोटेक्ट करता है विटामिन द विटामिन फंक्शनिंग एज एंटीऑक्सीडेंट में प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ एलडीएल एलडीएल के ऑक्सीडेशन को भी ये प्रिवेंट करता है एंड ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल इज थॉट थ्रू टू द प्रमोट हार्ट डिजीज ऑक्सीडेशन अगर एल डी एल का ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन होता है तो हर डिजीज प्रमोट होता है तो इसको प्रिवेंट पहले प्रिवेंट करता है विटामिन इज द वर्कैस टू गेटर तो विटामिन सी एंड बीटा कैरोटीन टू तो डिले द वन सेट ऑफ एट्रैक्ट और ये पावरफुल आपका एंटी है ही लेकिन आपके नेचुरली आपका विटामिन बी, बी, कैरोटीन भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है लेकिन बॉडी में सबसे ज्यादा ई जो होता है वो एंटी का काम करता है से क्या होता है विटामिन ई e डिफिशियंसी इज द लिमिटेड टू द प्री मैचोर इन्फेंट इसकी डिफिशियंसी बहुत लिमिटेड है एडल्ट एसोसिएटेड

परऑक्साइड यानी अगर विटामिन ए की कमी होती है तो आपको हिमोलाइसिस यानी कि ब्लड आपके जो होते हैं वो टूटने लगते हैं ऑक्सीडेशन होने लगता है जो टूटने लगते हैं अपेरेंस पेरेंट्स ऑफ द एबनॉर्मल सेल मेम्ब्रेन एंड मेजर सिम्टम ऑफ द विटामिन ई डिफिशियंसी इज द इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल मेमरे ड्यूट द परॉक्सीडेशन ऑफ द कंपोनेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो जाता है विटामिन ई e की डिफिशियंसी से एंड सोर्स ऑफ विटामिन ई क्या है तो प्लांट सोर्स है आपका सच है द रेफ सीड्स वेजिटेबल ऑयल सनफ्लावर सोया कॉर्न एंड ऑलिव ऑयल नट्स एंड सीड्स वेट में आपके क्या पाए जाते हैं प्रोडक्ट्स हम लोग देख लेते हैं तो डेली रिक्वायरमेंटेड डोज क्या है इन्फेंट और चिल्ड्रेन में दस माइक्रोग्राम है में 15 माइक्रोग्राम है प्रेगनेंसी में 19 माइक्रोग्राम है लैक्टेशन में 19 माइक्रोग्राम है ये था विटामिन ए यहाँ पर खत्म होता है अगले विटामिन के लिए आप जुड़े रहिए अगले लेक्चर के लिए तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है कमेंट तो जरूर कीजिए अगर आपको आपको नॉलेज है या नहीं नॉलेज है तो आप पता करके उसको कमेंट कीजिए आपके क्वेश्चन कौस्ट, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए तब तक के लिए जय हिंद